Tough times never last, but tough people ever last. Hello learners, welcome to Nana Classes English. और आज हम cover करेंगे numbers का practice set. और ये video होगा part 1, क्योंकि सारे MCQs को एक ही video में cover करना it's not possible. Video जो है that will be very long और आप लोगों को ही दिक्कत होगी उसको देखने में और you will feel bored. तो दो वीडियोस में हम जो नंबर्स के प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं उनको कवर करेंगे. आज का पहला क्वेश्चन है प्लूरल फॉर्म ऑफ ब्रदर. तो बहुत सिंपल वर्ड है, हम डे टू डे लाइफ में इसको यूज करते रहते हैं, तो इसका प्लूरल फॉर्म आपको बताना है. ब्रदर्स, ब्रदरन, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस. तो मुझे लग रहा है आप सबका आंसर जो है वो होगा ऑप्शन ए, बट नो यू आर रॉन्ग. ऑप्शन सी जो है दैट इज़ द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी. तो ब्रदर का जो प्लूरल फॉर्म है वो ब्रदर्स भी होता है और ब्रदरन भी होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लूरल फॉर्म इज इनकरेक्ट. तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है दैट इज इनकरेक्ट, यानी जो सही नहीं है. ऑप्शन है हमारे पास मदर इन लॉज, मैन, ब्रदर्स इन लॉ या ऑल ऑफ दीज. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मदर इन लॉ. आंसर राइट है बट जो वर्ड है, जो नाउन है वो इनकरेक्ट है. और इसका सही जो आंसर होगा, यानी इसका जो करेक्ट फॉर्म होगा वो होगा मदर्स इन लॉ. अगर आपको याद होगा तो हमने एक रूल किया था, उसमें मैंने आपको बताया था दैट अगर कंपाउंड नाउन की फॉर्मेशन कुछ इस तरह है कि उसमें पहले नाउन आ रहा है, देन प्रीपोजिशन, देन नाउन, तो पहला जो नाउन होगा उसका प्लूरल बनेगा. ठीक है, तो उस हिसाब से द प्लूरल फॉर्म ऑफ मदर इन लॉ विल बी मदर्स इन लॉ. मैन भी सही है और ब्रदर्स इन लॉ भी राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लूरल फॉर्म ऑफ फोटो. तो फोटो जो वर्ड है उसका प्लूरल फॉर्म आपको बताना है, कैसे बनेगा, ई एस लग के, एस लग के या फोटो का पी एच ओ टी यू एम, फोटम, ठीक है, या नन ऑफ दिस. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, फोटोज, पी एच ओ टी ओ एस. नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लूरल फॉर्म इज करेक्ट. तो नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू टेल कि कौन सा जो प्लूरल फॉर्म है दैट इज करेक्ट, जो सही है. तो ऑप्शन है हमारे पास, ध्यान से पढ़िएगा, स्टेप्स डॉटर, स्टेप डॉटर, स्टेप्स डॉटर्स, स्टेप डॉटर्स. तो देखिए रूल याद कीजिए, इससे रिलेटेड कंपाउंड नाउन से जो जनरल रूल हमने किया था उसके हिसाब से आंसर जो होगा वो होगा स्टेप डॉटर्स. जनरल रूल हमने एक देखा था दैट इफ कंपाउंड नाउन जिसमें दो वर्ड्स जो हैं वो दो नाउन से बन रहा है या दो किसी भी शब्दों से बन रहा है, चाहे वो एडजेक्टिव नाउन है या नाउन प्लस नाउन है, तो उसमें क्या होगा, जनरल रूल के हिसाब से जो लास्ट नाउन होता है उसके साथ एस या आई एस लग के या उसका प्लूरल फॉर्म बना के पूरा जो कंपाउंड नाउन है उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है. तो उस हिसाब से स्टेप डॉटर्स विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट है प्लूरल फॉर्म ऑफ लीफ. तो एल ई ए एफ, लीफ माने आपको पता होगा पत्ता या पत्ती. तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन हैं एल ई ए एफ एस, लीव्स, या एल ई ए वी ई एस, लीव्स, या एल ई ए वी एस, या नन ऑफ दीज. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एल ई ए वी ई एस, लीव्स. नेक्स्ट है सिंगुलर फॉर्म ऑफ माइस, एम आई सी ई. तो माइस जो शब्द है दैट इज प्लूरल इन इट्स फॉर्म, आपको इसका सिंगुलर फॉर्म बताना है. ऑप्शन है एम वाई माई, एम ओ यू एस ई, माउस, या एम ओ एस ई. ये मूज है, मूज का मतलब होता है प्राणी. इसको सिद्धू मूसे वाला से मिसइंटरप्रेट मत कर लीजिएगा, मैंने सिद्धू मूसे वाला का नाम नहीं लिखा है, ये मूज है, एम डबल ओ एस ई, ऑल ऑफ दीज. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एम ओ यू एस ई, माउस. उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, एम आई सी ई. नेक्स्ट है प्लूरल फॉर्म ऑफ हाफ, एच ए एल एफ, हाफ. तो हाफ का प्लूरल फॉर्म हाफ्स, एस लग के, या एच ए एल वी ई एस, या एच ए एल वी एस, या नन ऑफ दीज. सो याद कीजिए वो रूल जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि इफ एनी नाउन इज एंडिंग विद एफ और एफ ई, तो उसका एफ और एफ ई हटाकर वी ई एस में कन्वर्ट कर दिया जाता है.
तो उस हिसाब से जो ऑप्शन बी होगा दैट विल बी द राइट आंसर. और इसमें प्लीज़ याद रखिएगा दैट एल जो है वो साइलेंट रहता है, इसको हम हाल्फ नहीं बोलेंगे या हाल्फ्स नहीं बोलेंगे. इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है दैट विल बी हाफ्स. ठीक है, हाफ्स. ओके, नेक्स्ट है विच प्लूरल फॉर्म इज इनकरेक्ट. अब हमें ये जो वर्ड है ये सारे अपनी प्लूरल फॉर्म्स में हैं, इनमें जो इनकरेक्ट प्लूरल फॉर्म है यानी जो गलत है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है. ऑप्शंस हैं हमारे पास कैंटोज, बेबीज, फॉक्सेस, नाइव्स. देखिए स्पेलिंग पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, स्पेलिंग देखिए, अगर आपको कोई स्पेलिंग रॉन्ग लग रही है तो उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेबीज. अब देखिए कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, नाउन एंडिंग विद वाई एंड प्रिसीडिंग विद अ कॉन्सोनेंट. वाई से कोई नाउन एंड हो रही है उससे पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है तो उसके पीछे वाई को हटाकर आई ई एस लगा दिया जाता है. तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी ए बी आई ई एस. नेक्स्ट है प्लूरल ऑफ मैन सर्वेंट, तो इसका हमें प्लूरल फॉर्म बताना है, मैन सर्वेंट्स, मेन सर्वेंट, मेन सर्वेंट्स या मैंस सर्वेंट्स. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मैन सर्वेंट्स. तो ये भी हमने रूल डिस्कस किया था कि कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स होते हैं जिनमें दोनों जो वर्ड्स होते हैं उनको उनके प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है. तो मैन का हो गया मैन और सर्वेंट का हो गया सर्वेंट्स. नेक्स्ट है प्लूरल फॉर्म ऑफ टर्मिनस. तो देखिए सबसे पहले टर्मिनस का मतलब देखिए कि टर्मिनस क्या होता है. टर्मिनस को हिंदी में कहते हैं अंतिम स्टेशन, या अगर आप इसको इंग्लिश में समझना चाहें तो द एंड ऑफ ट्रेवल रूट. तो टर्मिनस जो है जैसे आप कोई लॉन्ग जर्नी पे हैं तो लास्ट स्टेशन जो जहां पर आपको उतरना है, या ट्रेन का जो लास्ट स्टेशन होगा वो ट्रेन का टर्मिनस हो जाएगा. तो इसके प्लूरल फॉर्म हमें बताना है. टर्मिनस जो है वो अपने आप में प्लूरल है, सॉरी सिंगुलर है, और हमें इसका प्लूरल फॉर्म बताना है. तो टर्मिनसेस, टर्मिनो या टर्मिनी या बोथ ए एंड सी. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टर्मिनी. नेक्स्ट है प्लूरल फॉर्म ऑफ इंडेक्स. ठीक है, तो इंडेक्स जो शब्द है उसका हमें प्लूरल फॉर्म बताना है. ऑप्शंस है हमारे पास इंडेक्सेस, इंडेक्स या इंडसीज. तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा इंडसीज. ऑप्शंस जो लास्ट ऑप्शन है वो है बोथ ए एंड सी. तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ ए एंड सी, यानी इंडेक्स का जो प्लूरल फॉर्म है वो इंडेक्सेस भी होता है और इंडसीज भी होता है. तो ये मैंने सिर्फ आपके आपको प्रोनाउंस इसका प्रोनाउंसिएशन बताने के लिए ये लिखा है, इंडसीज ये इसका प्रोनाउंसिएशन होगा. सो डोंट प्रोनाउंस इट इन अ रॉन्ग मैनर. नेक्स्ट है प्लूरल फॉर्म ऑफ ग्रीफ. ग्रीफ का मतलब होता है दुख. वैसे तो देखिए अगर हम देखें तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, पर कई सेंस में इसको एक कॉमन नाउन की तरह या एक कंक्रीट नाउन की तरह भी यूज़ किया जाता है. तो इसका हमें प्लूरल फॉर्म बताना है. वो देखिए शब्द पर आधारित होता है कि वो कहाँ यूज़ हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका जो फॉर्म है वो निर्धारित होता है. तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है जी आर आई ई वी ई ग्रीव, जी आर आई ई एफ एस ग्रीव्स, या जी आर डबल ई एफ एस, या ऑल ऑफ दीज. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जी आर आई ई एफ एस. सीधा एस लग के इसका प्लूरल फॉर्म बनेगा. और ये जो पहला ऑप्शन है जी आर आई ई वी ई, ये अपने आप में एक वर्ब है, इसी तरह के कुछ मतलब के लिए यूज़ होती है कि जैसे दुख में होना या दुख भोगना, इस तरह के मतलब में यूज़ की जाती है. तो जी आर आई वी ई ये एक वर्ब है और जी आर आई ई एफ ये एक नाउन है. नेक्स्ट है प्लूरल फॉर्म ऑफ डियर. तो डी डबल ई आर मतलब आपको पता होगा एक एनिमल का नाम है ये, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, डियर्स एस लगकर, ई एस लगकर, या डियर का डियर रहता है, या ऑल ऑफ दीज. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डियर का डियर रहता है. नेक्स्ट है सिंगुलर फॉर्म ऑफ एल्गी. तो एल्गी जो एक शब्द है इसको हिंदी में हम शैवाल कहते हैं, ये अपने आप में प्लूरल है, इसका सिंगुलर फॉर्म हमें बताना है. तो एल्गे, एल्गा, एल्ग्स या एल्गी डबल ई लग के. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्गा. तो एल्गा का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा एल्गी. नेक्स्ट है व्हाट इज ट्रू अबाउट द वर्ड डेटा.
ठीक है, डाटा नहीं होता है, ये डेटा होता है। तो डेटा वर्ड का हमें के बारे में हमें सही बताना है कि क्या सही है। इट इज़ अ प्लूरल फॉर्म, यानी कि जो जो वर्ड DATA है डेटा, ये अपने आप में प्लूरल फॉर्म है। इट्स सिंगुलर फॉर्म इज डेटम, DATUM। इट्स प्लूरल फॉर्म इज डेटस, DATAS। या ऑप्शन डी ये कह रहा है कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू, यानी कि ये जो प्लूरल फॉर्म में है शब्द DATA और इसका सिंगुलर फॉर्म जो है वो होता है DATUM, डेटम। तो बिल्कुल सही, डी आंसर जो है, डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि डेटा अपने आप में प्लूरल है और इसका सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा डेटम। देखिए, ये डे टू डे लाइफ वाले वर्ड्स हैं जिनको हम डेली यूज़ करते हैं, पर हमें पता नहीं होता है कि ये इसका प्लूरल फॉर्म है या इसका सिंगुलर फॉर्म है। और अगर इसी तरह के जो MCQs हैं या इसी तरह के क्वेश्चंस अगर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं तो बड़ा धोखा होता है कि अरे ये वर्ड तो हम डेली यूज़ करते हैं, इवन देन वी आर नॉट एबल टू रिकोगनाइज दैट दिस इज़ इन सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म। नेक्स्ट है प्लूरल फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस का जो प्लूरल फॉर्म होगा वो होगा ऑप्शन सी, हाइपोथेसिस। सिर्फ स्पेलिंग में आई का डिफरेंस है, जो सेकेंड लास्ट लेटर है उसमें आई की जगह ई हो जाएगा। जो जहाँ आई लगेगा वो तो होगा सिंगुलर फॉर्म, और जहाँ ई लगेगा वो होगा प्लूरल फॉर्म। हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना। ये रिसर्च वाले जो स्टूडेंट अगर कोई देख रहे होंगे वीडियो तो वो रिलेट कर पाएंगे आराम से। नेक्स्ट है सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ड फॉर्मूले। तो फॉर्मूले जो वर्ड है ये अपने आप में प्लूरल है और इसका सिंगुलर फॉर्म हमें बताना है। ऑप्शंस है हमारे पास, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है स्पेलिंग में, फॉर्मूले, फॉर्मूला, फॉर्मूला DLL लग के, या फॉर्मुलम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, फॉर्मूला। अब एक चीज़ और देख लीजिए, कई शब्द ऐसे होते हैं जिनका दो तरह से प्लूरल फॉर्म बनता है। तो फॉर्मूला जो वर्ड है वो हमारे पास सिंगुलर है और इसका दो तरह से प्लूरल बनेगा। एक तो बनेगा फॉर्मूले, FORMULAE, और एक बनेगा एस लग के, फॉर्मूलाज। नेक्स्ट है देखिए, एक और शब्द हमारे पास ऐसा है एंटीना। तो एंटीना अगर जिनका बर्थ 90 से पहले हुआ है या 85 से पहले हुआ है वो इस फोटो से या इस इमेज से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज़रूर इस एंटीना को घुमाया होगा पक्का। किस लिए? कि जो आपकी आपका ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है उसमें जो फोटोज़ हैं या जो इमेजेस हैं वो साफ आ सके। तो कई बार सिग्नल्स जो हैं वो वीक हो जाते थे तो हमें छत पर जाकर इस एंटीना को घुमाना भी पड़ता था। तो ये वो एंटीना है। आजकल तो सिर्फ गाड़ियों पे जो लगा होता है बच्चे उसी को पहचान पाते हैं सिर्फ। तो ये एंटीना जो है इसका प्लूरल फॉर्म भी इसी तरह बनेगा, AE लग के लास्ट में और उसके बाद एंटीना सिर्फ S लग के। नेक्स्ट है प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड टूथ। तो बहुत सिंपल है ये, तो टूथ्स नहीं होगा, एस या ES नहीं लगेगा, इसमें जो अंदर वाले दो वॉवल हैं वो चेंज हो जाएंगे, टूथ की जगह टीथ हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड एपॉक। तो एपॉक का पहले हिंदी मतलब जान लीजिए। इसका मतलब होता है एरा, एज या युग, ठीक है। तो एपॉक्स, एपॉक्स ES लग के, S लग के, या AE लगेगा या एपोकस बनेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एपॉक्स, APOCHS, सिर्फ S लग के इसका प्लूरल बनेगा। नेक्स्ट है सिंगुलर फॉर्म ऑफ कैक्टी। देखिए, एक वर्ड है हमारे पास कैक्टी, उसका हमें सिंगुलर फॉर्म बताना है। यानी कि ये तो हमें पता चल रहा है कि कैक्टिस जो वर्ड है वो अपने आप में प्लूरल है, इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होगा? तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, CACTIES, CACTUS, CACTAE या कैक्टो। तो इससे आप समझ तो गए होंगे कि मैं नागफनी की बात कर रही हूँ जो रेगिस्तान में बहुतायत पाई जाती है, तो जिसको जिसके कांटे होते हैं, आप समझ गए होंगे। तो इसका जो सिंगुलर फॉर्म होगा वो होगा कैक्टस, ठीक है। तो कैक्टस जो है वो सिंगुलर फॉर्म है और कैक्टी जो है वो प्लूरल फॉर्म। नेक्स्ट है प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड ऑटो, AUTO। ऑटो का देखिए प्लूरल फॉर्म हमें बताना है। इसका प्लूरल फॉर्म बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि मैंने आपको पहले भी के वीडियोस में बताया है कि शब्द जो होता है उसके यूज़ पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से यूज़ हो रहा है। कई बार कोई शब्द जो है वो एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ होता है और नाउन के रूप में भी यूज़ होता है। तो ऑटो जो वर्ड है इसी तरह का शब्द है, वो एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है। और हाँ, एक चीज़ और, एडजेक्टिव नहीं होता है, एडजेक्टिव होता है। तो प्लीज़ ये प्रोनाउंसिएशन भी अपनी सही कर लीजिए।
आगे से हम एडजेक्टिव बोलेंगे। तो ऑटो जो शब्द है वो अपने आप में एक नाउन है, तो उसका तो हमें प्लूरल बनाना है, और जो ऑटो एडजेक्टिव है वो इस तरह से यूज़ होता है, जैसे मोबाइल वर्ड के साथ यूज़ अगर ऑटो किया जाए तो इट विल बिकम ऑटोमोबाइल, ठीक है। तो ऑटो इसमें एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इस ऑटो जो कि नाउन है इसका हमें प्रोनंसिएशन बताना है, इसका प्रोनंसिएशन इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा ऑटो, सिंपल एस लग के इसका प्लूरल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगुलर फॉर्म ऑफ सीजर्स, सीजर्स वर्ड का सिंगुलर फॉर्म बताना है हमें। तो बिल्कुल आप सबका आंसर सही होगा, मुझे लग रहा है डी इसका राइट आंसर होगा। क्यों होगा ये देख लेते हैं। इन इन मॉडर्न इंग्लिश सीजर्स हैज़ नो सिंगुलर फॉर्म। क्यों नहीं है भाई? सिंगुलर सीजर्स इज एन एग्जांपल ऑफ प्लूरल टेंटम। अब ये क्या होता है, और एन इंग्लिश वर्ड दैट ओनली हैज़ अ प्लूरल फॉर्म दैट रिप्रेजेंट्स अ सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स। ऐसे शब्द जो अपने आप को प्रेजेंट तो इस तरह से करते हैं कि हम प्लूरल हैं, पर वो खुद जो है वो एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सीजर्स है, पैंटलून्स हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे टोंग्स हैं। तो ये बहुत सारी जो टोंग है ये बहुत सारे वर्ड हैं जो अपने आप में प्लूरल होते हैं पर एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है सिंगुलर फॉर्म ऑफ मीडिया। देखिए कितना सिंपल वर्ड है, डेली हम यूज़ करते हैं, देखते हैं, पर हमें पता नहीं है कि मीडिया जो वर्ड है वो अपने आप में प्लूरल है। अब इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होगा, स्पेलिंग्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, मीडिया, मीडिए, मीडियम या मीडियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीडियम। नेक्स्ट है प्लूरल ऑफ पियानो। ये वर्ड हम पहले कर चुके हैं, पियानो का जो प्लूरल फॉर्म होगा वो होगा सिंपल एस लग के इसका प्लूरल फॉर्म क्रिएट होगा, पी आई ए एन ओ एस, पियानोज। नेक्स्ट है प्लूरल ऑफ पोटैटो। देखिए बिल्कुल सिंपल वर्ड है, पर कई बार ये हो जाता है कि अगर क्वेश्चन हमारे सामने इसी तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं कौन सा रूल अप्लाई होगा, पता नहीं इसका प्लूरल कैसे बनेगा। तो आई होप दैट ये आंसर सबका सही होगा। पोटैटो का जो प्लूरल होता है वो बनता है ई एस लग के, और इसी तरह का एक शब्द है टमाटो, टमाटो का भी प्लूरल बनता है ई एस लग के। तो इनको तो आप विशेषता याद रखेंगे। सो अभी एक वीडियो और आएगा प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिससे आपको सारे जो जितने भी नंबर्स के रूल्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत सारे नए बट फमिलियर, ऑलरेडी फमिलियर थे वो शब्द आपके, पर उनका आपको पता चला कि इनका प्लूरल फॉर्म कैसे बनता है या हम किस फॉर्म में उस वर्ड को डे टू डे लाइफ में हम यूज़ कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया है, और अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को आपको आगे शेयर भी करना है, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और एक चीज़ और भी आप सबके लिए, जल्दी ही जो इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस हैं उनको आपकी रीजनल लैंग्वेज में भी आई एम गोइंग टू प्रेजेंट, क्योंकि देखिए NEP जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी ये चीज़ बहुत इम्फेसाइज की गई है कि जो मदर टंग होती है उसमें एक स्टूडेंट अपनी कोई भी कंसेप्ट होता है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाता है। तो ये मेरा प्रयास रहेगा, हालांकि ये प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, बट मुझे ये लगता है कि मदर टंग के साथ हमारी एक कनेक्टिविटी होती है जिसमें हम किसी भी कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। तो ये इनिशिएटिव मैं आप लोगों के लिए अभी करने वाली हूँ कि ग्रामर को आई एम गोइंग टू प्रेजेंट इन योर रीजनल लैंग्वेज। तो बिल्कुल अवेटेड है ये वीडियोस, वेरी सून आई एम ब्रिंगिंग फॉर यू। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।